Hi, beautiful angels. Welcome to the Divine Family. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे. मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई सैंड रीडिंग. तो ये सैंड रीडिंग होने वाली है काली माँ के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस और साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी आपकी विश पूरी कर रही हैं काली माँ आने वाले दिनों में, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है. और साथ में इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ जो 28 अगस्त को मेरा 28 डेज का मैजिकल ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है. तो ये बहुत ब्यूटीफुल वर्कशॉप है जिसमें हम लोग 28 डेज तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे हम लोग अपने रिलेशनशिप के अराउंड, मनी के अराउंड, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के अराउंड जितने भी बिलीफ सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ के थ्रू पॉजिटिव करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की क्लिंजिंग और हीलिंग करते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव ये वर्कशॉप है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे या मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो इस सैंड रीडिंग के लिए सबसे पहले मैंने करंट एनर्जी के लिए आप लोगों के लिए काली माँ डेक से ही एक कार्ड निकाला हुआ है. तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपकी जो एनर्जी वो किसी तरह की डिस्करेजमेंट में हो आप, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा होप आपकी जाती हुई लग रही है यहाँ पर. तो कुछ ऐसी सिचुएशन को डील कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि फिर से आप स्टक हो गए हो, कहीं पर अटक गए हो, फिर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो. किसी तरह की अगेन सैडनेस में भी आप कहीं ना कहीं चले गए हो या पास्ट की एनर्जी में. तो डोंट बी डिस्करेज्ड. इट्स ऑफ्टन द लास्ट की इन द बंच दैट ओपन्स द लॉक. तो यहाँ पर काली माँ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको होप रखने की ज़रूरत है. कई बार जो चाबियों के गुच्छे में से सबसे लास्ट जो चाबी होती है वही ताले को खोलती है. तो उसके लिए हम लोगों को पेशेंस चाहिए, राइट. मुझे भी पता है ये एनर्जी में मैं भी हूँ, करंट एनर्जी. तो ये डिफ़िकल्ट होता है, कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है. कोई ना कोई सिचुएशन फिर से अटक जाती है, बहुत सारी सिचुएशन होती है. एक को हम लोग चलता करते हैं, एक के साथ काम करते हैं तो दूसरी के साथ ऐसा हो जाता है. बट कहीं ना कहीं होप मत खोइए. हम लोग सब जो है एक ही नाव में हैं, ठीक है. प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, फेस कीजिए जो भी है चैलेंजेस, और प्रेयर्स के साथ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े रहिए. आप जल्द ही इसमें से बाहर निकल आओगे. तो अगर किसी भी तरह की करंट सिचुएशन को आपको कर रही है, गुस्से में मत आइए. फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना आपको, डिस्करेज नहीं होना है, राइट. पीछे नहीं हटना है आपको, आगे बढ़ना है. बस थोड़ी सी पेशेंस और होप यहाँ पे बना के रखनी है आपको, ठीक है. तो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है. फाइनल के लिए भी मैंने कुछ मैसेजेस निकाले हैं जो हम लोग एंड ऑफ द रीडिंग देखने वाले हैं. तीन गाइडेंस के लिए भी मैंने मैसेज निकाले हुए हैं सेम डेक से, तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे. तो यहाँ पर देख लेते हैं काली माँ की कौन सी ब्लेसिंग्स और सबसे पहले आप बहुत सुंदर लग रहे हो और बहुत सुंदर भी लगने वाले हो. यहाँ पर इन कलर्स से सबसे पहले आपको स्ट्रांग प्रोटेक्शन दी जा रही है. काली माँ की तरफ से आपको स्ट्रांग यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रही है. तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, ठीक है, और वो फील कर पा रहे हैं इंटेंस एनर्जी को, अगर तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन है. और अगर आप ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे एक ईवल आई भी बन गई है. तो ईवल आई से आपको प्रोटेक्शन है यहाँ पर, मेरा भी ध्यान गया तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ईवल आई से प्रोटेक्ट किया जा रहा है. तो ये सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग्स है आपकी. तो डरने की ज़रूरत नहीं. जब हम लोग डरते हैं तो वो एनर्जी को क्रिएट करते हैं. तो सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि सब कुछ ठीक है और आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है. पूरी तरह से स्ट्रेंथ में रहिए, या स्ट्रेंथ आपको मिल रही है. और इस आपकी न्यू जो रिजुवनेटेड, पूरी तरह से अपग्रेडेड जो है, अपडेटेड
जो स्ट्रेंथ है उसको देखकर बहुत लोग डरने भी वाले हैं। आई डोंट नो ये कहाँ स्ट्रेंथ आप दिखाने वाले हो, जो मेरे को मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नज़र आ रही थी। तो हो सकता है कि किसी तरह की सिचुएशन में आप स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को सेव कर रहे हो, तो अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी तरह से आप स्ट्रेंथ में हो। तो ये स्ट्रेंथ भी आपको काली माँ की तरफ से मिल रही है, और स्ट्रांग इनफ हो इसलिए किसी भी तरह के डर को पालने की जरूरत नहीं है। यहां पर मुझे एक स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि मैं जब मैंने पूछा कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, या बच्चों से रिलेटेड कोई विश थी आपकी, वो आपकी पूरी होने वाली है। तो काली माँ आपकी बच्चों से रिलेटेड कोई विश को पूरा कर रहे हैं। तो ये बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, उनकी हैप्पीनेस से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है मैरिज के लिए। तो कुछ ऐसी विश आपकी काली माँ पूरी कर रहे हैं जो बच्चों से रिलेटेड है। तो सबके बच्चों के एज के हिसाब से जो पेरेंट्स ने कोई विश मांगी हुई है या प्रेयर कर रहे हैं, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। और यहाँ पर कोई पेरेंट जो हैं वो काली माँ के मंदिर जाके भी किसी विश को मांग कर आए हैं, वहाँ पर प्रेयर्स करके आए हैं उसके लिए, ठीक है, वहाँ पर बोल के आए हैं काली माँ को। तो ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन काली माँ के मंदिर जाके बोल के आया है। तो वो विश आपकी सुनी गई है और वो विश आपकी पूरी होने जा रही है सुन। और यहाँ पर जिसका भी मैसेज आया है कि कब, तो विद इन अ मंथ, यहाँ पे मुझे सुना है विद इन अ मंथ, एक महीने के बीच बीच में वो विश आपकी पूरी हो रही है, अगर किसी को टाइम को लेकर क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि वो आंसर मुझे मिल गया है यहाँ पर। कोई एकदम से अपने हाथ साफ करके किचन में से आ रहा है इस रीडिंग को सुनने के लिए। तो किसी ने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया किचन का, और वो ताकि वो आराम से बैठ के इस रीडिंग को सुन सके। और आप काली माँ के भी भगत हो सकते हो, इस वजह से आप बड़े एक्साइटेड अपने हाथ साफ करते हुए मुझे कोई नज़र आ रहा, हाथ साफ करके किचन से दौड़ के कोई अपना फ़ोन लेकर कि ये रीडिंग मुझे आराम से बैठकर सुननी है। तो ये भी मैसेज है यहाँ पर, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी ने बहुत देर से ये रीडिंग की वेट कर रहा है काली माँ का। वैसे मैंने कुछ दिन पहले भी मुझे आया था, लेकिन आज मुझे गाइड किया गया कि ये मुझे रीडिंग करनी है। कुछ दिन पहले मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो मिला था, लेकिन जब तक मेरे गाइड्स मुझे नहीं बोलते हैं, तो मैं जो भी गाइड्स मेरी मुझे गाइड करते हैं एवरीडे रीडिंग करने के लिए, मैं वही रीडिंग करती हूँ। तो आज मुझे ये गाइडेंस मिली ये रीडिंग करने के लिए, लेकिन कोई यहाँ पर है जो काफ़ी देर से इस रीडिंग की वेट कर रहा था इन ब्लेसिंग्स की। तो यहाँ पे कोई काली माँ का बड़े वाला भगत है बहुत डिवोटी है कोई यहाँ पर। आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से संदेश मिलने वाला है, और ये भी आपकी कोई ब्लेसिंग है। आई डोंट नो ये किस तरह का संदेश है, कोई न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कोई हीलिंग का मैसेज है, कोई रीडिंग आप ले रहे हो, आई डोंट नो ये किस तरह का मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपके लिए ये ब्लेसिंग है आपकी। हाँ, किसी को कार लेनी थी और उसकी ये विश पूरी हो रही है ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर। किसी को कार खरीदनी थी बहुत देर से, या किसी ने प्रे की थी, तो उनकी भी ये विश पूरी हो रही है। कोई यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर या काली माँ का मंदिर हो सकता है, दूर है, वो नंगे पांव जाना चाहता है, कुछ इस तरह की किसी की विश है।
मंदिर तक जाना है, किसी को तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना है, नंगे पांव जाना है, तो ये भी किसी की विश पूरी होने वाली है। ये प्लीज़ मुझे बताना किसकी विश है ये। पहले इस तरह का मैसेज मैंने कभी रिसीव नहीं किया, तो ये भी किसी की विश पूरी हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बिगनिंग में भी बताया, कुछ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं, चाहे वो हेल्थ इशू है या कोई और फैमिली मेंबर का या खुद का कोई ना कोई इशू है जिससे स्ट्रेस आउट हुए हैं, और काफ़ी देर से उन्होंने हैप्पी समय, जॉयफुल समय नहीं गुजारा। उनकी लाइफ में कोई ना कोई जॉयफुल मोमेंट आ रहा है, चाहे वो आप अचानक से मूवी देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं, अचानक से पार्क में पिकनिक जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, या घर पे कुछ ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जो आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से जुड़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो वो काफ़ी देर से आपने शायद ये इस मोमेंट को जिया नहीं है, कुछ मे बी कुछ दिन से कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी बनी रही है, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप फंस गए थे, तो आपको कोई हैप्पी मोमेंट यहाँ पर मिलने वाला है, खुशी वाला मोमेंट आपके लिए आ रहा है। आपकी तबीयत में काफ़ी निखार आने वाला है, किसी की तबीयत अगर ख़राब है तो यहाँ पर उसकी हेल्थ भी यहाँ पर बेटर होने वाली है। फिर से मुझे पता लग रहा है, मैसेज मिल रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड किसी के इश्यू थे, तो किसी ने प्रेयर्स की थी, क्योंकि उसमें आप बहुत लेस एनर्जी फील कर रहे थे और आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो आपने प्रेयर की थी बड़ी शिद्दत से कि मुझे एनर्जी चाहिए अपने काम पूरे करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी वो प्रेयर भी सुनी जा रही है। ये किसी तरह की डार्क इंटेंस एनर्जी को आपने पिक कर लिया था, कनेक्ट कर लिया था, ये उस वजह से भी आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन काली माँ आपको हेल्प कर रही है वो एनर्जी को रिलीज करने से, अपनी बॉडी में से उस एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं, इस वजह से आपकी हेल्थ बेटर होगी। वाह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं लेनी है, वो लेते रहना है प्लीज़। तो ये एक्स्ट्रा आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यहाँ पर आपकी विश पूरी हो रही है, काली माँ जो आपकी विश पूरी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, वो उस नेगेटिव एनर्जी को वो आप कट कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रोटेक्शन का अभी मैसेज दिया आपको बिगिनिंग में, राइट? किसी तरह की कोई डीप सैडनेस आपको तंग कर रही है। अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जैसे आगे भी बताते हो आप, मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। किसी तरह की डीप सैड वो है फीलिंग है, दबी हुई, कहीं ना कहीं आपने रिलीज भी की है, कहीं ना कहीं आपने हीलिंग भी की है, पर फिर भी कुछ पोर्शन ऐसा है किसी सिचुएशन से रिलेटेड जो आप मतलब फील कर पाते हो, आपको नहीं पता वो कैसे रिलीज करें, आप वो फील कर पाते हो, उस वजह से आप डीप ब्रीदिंग भी नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि पूरे हार्ट चक्र में से वो एनर्जी वो नहीं हो रही है, थ्रू नहीं हो रही ऑक्सीजन या हवा जो है, राइट? जब आप इनहेल करते हो, इस सैडनेस को हील किया जा रहा है। आई डोंट नो ये कैसे हील होगा, शायद आप किसी टीचर हीलर से कनेक्ट हो रहे हैं, वो हील कर पाएंगे आपकी इस एनर्जी को, डीप जो सैडनेस है, या फिर आप कुछ ऐसा योगासन या एक्सरसाइजेस करोगे उससे रिलीज होगी, या फिर आपके कुछ इस तरह का अगर किसी किसी कोई ऐसी सिचुएशन रही है पास्ट की, या पर्सन के साथ ऐसी कोई सिचुएशन रही है, वो बेटर होगी, उस वजह से ये रिलीज हो पाएगी। इमोशनली रिलीजिंग और हीलिंग है, तो ये ब्लेसिंग्स है कहीं ना कहीं काली माँ की तरफ से आपको, कि वो फीलिंग जो है ना, बहुत एक सैड फीलिंग जो आपके अंदर दबी हुई है,
उसको निकाला जाएगा। वाओ, तो ये मैसेज है कि अगर आप बार बार स्टक हो जाते हो अपने वर्क प्लेस पे, अपने रिश्तों में, सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है ये, या सारे हो सकती हैं चीज़ें, आप जो बार बार स्टक कर जाते हो ये इसी एनर्जी की वजह से कर जाते हो जो आपकी डीप अंदर बैठी है वो सैडनेस, राइट। किसी पेन की हो सकती है ये, किसी इंसिडेंट की हो सकती है, किसी अब्यूज़ की, ट्रॉमा की हो सकती है, वो उसकी अपर हीलिंग हो चुकी है लेकिन लेयर्ड में जो लास्ट लेयर है अभी भी वो आपके अंदर है, तो उसकी हीलिंग है यहाँ पर। तो किसी की ट्रॉमा हीलिंग की लास्ट स्टेज है वो सून जो है वो आपकी हीलिंग होगी। और जो आपके मैंने बताया ना कुछ और एरियाज जो अफेक्ट हो रहे हैं उस वजह से, उस ब्लॉकेजेस की जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है वो सैडनेस, इसी वजह से बार बार आप स्टक हो जाते हो, ब्लॉक्ड हो जाते हो, रुक जाते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो चार कदम पीछे चले जाते हो, ये उसी वजह से है। तो इसकी फाइनल हीलिंग का समय आ गया है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीकों से होगी आपकी, लेकिन यहाँ पे काली माँ का मैसेज है क्योंकि काली माँ आपको वो हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, अलग अलग तरीकों से, जिसके लिए भी जो तरीका कन्वीनियंट होगा वो हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है। यहां पर किसी की विश थी कि किसी को ट्रिप पे जाना था, ये ट्रिप आपका किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर में जाना था आपको, या फिर घूमने जाना था फैमिली के साथ छोटे से ट्रिप पर, या किसी को विजिट करने जाना था, सपोज पेरेंट्स को मिलने जाना था, वो आपकी विश पूरी हो रही है यहां पर। तो काली माँ आपकी ये विश पूरी कर रहे हैं। आपको सून मौका मिलेगा उस ट्रिप पर जाने का, तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपका वो ट्रिप बन जाएगा। यहां पर कोई किसी से क्लियर कम्युनिकेशन चाहता था, इस ब्लू कलर से क्लियर कम्युनिकेशन कोई चाहता था, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता था, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता था या चाहती थी, राइट। चाहे आप वो करना चाहते थे या सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो पॉसिबल होगा। तो आपकी ये विश पूरी की जा रही है, काली माँ आपकी ये विश पूरी कर रहे हैं। आपकी लाइफ के किसी एक हिस्से में जो स्टकनेस थी उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको पता लग जाए इससे, या फिर आप कुछ दिनों में इस चीज को देख पाए, खुद ही देख पाए कि वो कौन सी एरिया में जहां पे आप स्टक हो, या बहुत एरिया में हो तो वो एक जगह उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप उससे बाहर निकलोगे स्टकनेस से, तो ये आपकी नेक्स्ट विश जो है पूरी होने वाली है। आपको किसी तरह का इनविटेशन आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन, फैमिली डिनर, कुछ इस तरह का इनविटेशन आने वाला है। वहां पर आपको डेफिनेटली जाने की जरूरत है। पता नहीं, वहां पर आपको शायद किसी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आई डोंट नो, ये आपके काम के लिए है, आपके रिश्तों के लिए है, कुछ कुछ किस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर। हो सकता है कि वहां पर जाकर आप ऐसे लोगों को मिले जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता पाए या आपकी हेल्प कर पाए किसी तरह से। तो कुछ आपको वहां पर जाने की जरूरत है, जो भी किसी से आपको अगर इस तरह का कोई इनविटेशन आ रहा है, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई डिनर पार्टी या फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग कोई हो रही है।
काली माँ आपको कोई एक बहुत बड़ी यहाँ पर खुशी देने वाले हैं, ठीक है। तो ये इटसेल्फ एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर कि कोई ऐसी विश पूरी करेंगे आपकी। कईयों के लिए तो ये जब आप रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो आपके कुछ घंटों में और आज ही के दिन आपकी कोई विश पूरी होगी, तो यहाँ पर ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। और कईयों के लिए कुछ दिनों के समय में आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। आपके सपनों के थ्रू कोई ब्यूटीफुल आपको मैसेज मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको काली माँ नजर आए, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लाइफ के एक हिस्से में जहाँ पर आप ने खुद को ही अपने आप को ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन आप विश कर रहे थे कि आप निकले वहाँ से। आपके शायद मेंटल ब्लॉकेजेस थी कि आप डर रहे थे या ईगो की वजह से कुछ रीज़न था जहाँ पर आप चाहकर भी ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप कोशिश कर रहे थे कि मैं एक्शन लूँ या करूँ, लेकिन किसी न किसी रीज़न से वो रह रहा था। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही थी, चाहे वो आप टाल रहे थे चीज़ों को, चाहे आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी ऐसा। तो वहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि अब आप खुद इतने पैशनेट हो जाएंगे कि वो खुद एक्शन ले पाएंगे आप। तो उस डर को रिलीज़ करने में काली माँ आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का चीज़ों को लेकर और कईयों का ज़िंदगी को लेकर नज़रिया बदलने वाला है। उससे जब नज़रिया आपका चेंज होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी समझ में आनी। तो कई बार हम लोग ऐसा होता है ना कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, चेंज नहीं लेके आना चाहते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहते, तो इस वजह से हम लोग पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं, क्लैरिटी भी नहीं मिलती है, और किस तरह से सॉल्यूशंस क्या है वो भी नहीं मिलते। जैसे ही हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल और अवेयरनेस को बढ़ाते हैं या अपने आप को अलाउ करते हैं कि चलो अगर इस तरह से चीज़ें नहीं बदल रही, चलो ट्रांसफॉर्म होते हैं, या चलो इस तरह से करके देखते हैं, अपने नज़रिए को कहीं ना कहीं बदलते हो, सोचने समझने काम करने के तरीके को, ठीक है, तो वहाँ पर आपको आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कहीं से ना किसी जगह पर आप अपने नज़रिए को बदल रहे हो, और ये सेम चीज़ भी हो सकती है, डर या आप उसको छोड़ रहे हो, या फिर आप नज़रिए को बदल रहे हो और इस वजह से चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं। तो ये ब्लेसिंग है काली माँ की, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हुए थे किसी एरिया में। जैसे बच्चा नहीं जिद करके बैठ जाता कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए तो कहीं ना कहीं शायद उस स्टबननेस को वो केयर किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, आगे बढ़ना या बदलाव लेकर आना, ट्रांसफॉर्म होना, रिलीज़ करना, फॉरगिव करना, ट्रांसफॉर्म होना, कुछ भी ऐसा वो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक यहाँ पर कोई विश है किसी की जो बहुत लंबे समय से चल रही है हो सकता है कि सालों से ही वो विश आपकी वो नहीं हो रही है, ठीक है। कभी आपकी होप बन जाती है कि हाँ होगी पूरी, कई बार तो आप बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हो कि मुझे तो लगता नहीं है कि यूनिवर्स कुछ करने वाला है यहाँ पर। तो कोई ऐसी किसी की
फिर किसी ने यहाँ पर जिद भी पकड़ ली उस चीज़ की कि मुझे ये मेरी विश पूरी होनी चाहिए, तो किसी ने जैसे बड़े गुस्से से या प्यार से बहुत काली माँ को बोला गया, तो जैसे काली माँ ने अपने बच्चे की सुन ली यहाँ पर और वो आपकी विश पूरी हो रही है। तो कुछ इस तरह की विश जो शायद डिफिकल्ट थी और आपको भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो विश आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर किसी की अबंडेंस को लेकर कोई विश थी, ठीक है, और आप देखोगे अचानक से आपके अबंडेंस में चेंज आ गई है, अचानक से आपके पास बहुत सारे करियर में चेंज आ गई है, अचानक से बहुत सारे आपके लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, क्लाइंट्स आ रहे हैं, काम आ गया है बहुत ज़्यादा, तो अचानक से वहाँ पर आपके बदलाव है, चेंज है वहाँ पर। यहाँ पर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ था, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है, तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे थे, तो आप ये मुझे नहीं पता ये कहाँ पर, ये करियर में है आपके, रिलेशनशिप में है, कहाँ पर है, वहाँ से कैसे निकला जाएगा, इस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में। सपोज जैसे मैं यहाँ पर तो गाइडेंस नहीं दे रही हूँ आज, सिर्फ विश की वो है, लेकिन कई बार मैं गाइडेंस देती हूँ डिफरेंट वीडियो से, तो आपको किसी टैरो रीडर से, किसी हीलर से, टीचर से कोई गाइडेंस आपको मिल रही है कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन को आप कैसे फेस कर सकते हो, आप किस तरह से इस चैलेंज को फेस कर सकते हो, चीज़ें किस तरह से अपने लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह की कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आपको वो गाइडेंस, ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इस गाइडेंस को फॉलो करना ज़रूरी है आपके लिए, तो जहाँ से भी ये गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, तो हो सकता है कि ये एक काफ़ी काफ़ी यूजफुल हो। कई बार होता ना कि किसी ने आपको दी और उसके उसके साथ जब आपने काम किया तो आपकी ज़िंदगी बदल गई, आप ट्रांसफॉर्म हो गई बिल्कुल इस ज़िंदगी ना, तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ऑरिकल कार्ड्स भी देखने हैं इसके बाद। यहाँ पर अगर अभी किसी को कोई सिचुएशन को फेस करने से या किसी भी चीज़ के लिए डर लग रहा है, आप किसी भी काली माँ की इमेज को ध्यान में रखकर 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा में उनकी इमेज को रखिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए और 5 मिनट आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, उसी इमेज के ऊपर फोकस कीजिए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका डर चला गया है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि काली माँ आपको जिनको भी जरूरत है वहाँ पर उनको एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ दे रही हैं, लेकिन एक्शन आप ही को लेना होगा किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में से अपने आप को निकालने के लिए या कोर्ड्स को कट करने के लिए, आपको वो हिम्मत दी जा रही है, वो करेज दिया जा रहा है, वो ताकत दी जा रही है आपको, लेकिन एक्शन आप ही को लेना होगा, फाइनल एक्शन यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं हम लोगों, स्ट्रेंथ चाहिए होती है हम लोगों, क्लैरिटी गाइडेंस चाहिए होती है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हम लोगों ने सब चीज़ों की बात की कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली आप कैसे कर पाओगे, एक्शन लेकर, राइट, तो एक्शन आप ही का होगा। यहाँ पर
बहुत लोग आपको किसी चीज़ के लिए, आपके किसी स्टेप के लिए, आपके किसी डिसीजन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कुछ अपनी ओपिनियन से अफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आपको अफेक्टेड नहीं होना है यहाँ पर। आपको वो करना है जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं करने के लिए, ठीक है? अपने अंतर्मन की सुनिए और वही कीजिए जो आपका मन कह रहा है यहाँ पर करने के लिए, ठीक है? तो अब हम लोग जो हैं देख लेते हैं फाइनल गाइडेंस। तो पर मैंने फाइनल गाइडेंस के लिए यहाँ पर 3 कार्ड निकाले थे। तो सबसे पहला कार्ड है हार्ड टाइम ऑलवेज लीड टू समथिंग ग्रेट, ठीक है? तो यहाँ पर अगेन जैसे बिगिनिंग वाले कार्ड में काफ़ी सारी यहाँ पे डार्कनेस है, तो किसी न किसी हिस्सों में लाइफ के किसी न किसी पार्ट में या राइट नाउ किसी न किसी चैलेंज में आप जरूर फंसे हुए हो, जहाँ पर आपको चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। सबके लिए नहीं होगा ये, ठीक है? हो सकता है आपके लिए एक सिचुएशन हो और बाकियों के लिए एक से ज़्यादा सिचुएशन हो जहाँ पर आपको अंधेरा ही नज़र आ रहा है और रोशनी नहीं है, बट फिर भी ये रोशनी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो रोशनी ढूंढने की कोशिश कीजिए। काली माँ कौन सी रोशनी आपको दे रहे हैं? इवन इस रीडिंग को देख कर आपको कुछ होप बंधेगी। आप हीलर हो तो अपनी हीलिंग अबिलिटीज पर और अपनी डेस्टिनी पर, ठीक है? तो अपनी डेस्टिनी पर विश्वास कीजिए, ठीक है? ये समय जो है हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो हार्ड टाइम हमेशा समथिंग ग्रेट लेके आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और अपनी अबंडेंस के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली आपको सून जो है बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है? यहां पर आप देख सकते हो रिएक्ट मत कीजिए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। अपनी थर्ड आई चक्रा में से जो विजडम है आपको उससे समझने की कोशिश कीजिए, अंतर्मन से जुड़िए और उससे समझने की कोशिश कीजिए कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? आप डिफरेंट हो, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है यहाँ पर और यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ समझ में आती है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लेसन्स छुपे हुए हैं। आप डेफिनेटली इतने वाइज इनफ हो चुके हो कि आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आती हैं। इसलिए ध्यान से देखिए जो भी हो रहा है राइट नाउ, उसमें क्या लेसन्स छिपा हुआ है आपके लिए, क्या विजडम छुपी हुई है, उससे कनेक्ट कीजिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे फाइनल कार्ड देख लेते हैं। किसी भी तरह की मेंटली गेम्स और सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, ठीक है, उस गेम्स में मत पड़िए, उस क्योटिक सिचुएशन में से मत पड़िए। जो भी आपकी स्कैटर्ड एनर्जी है, इसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी लोगों के बारे में सोच रहे हो, सबसे कट ऑफ करके अपने अंतर्मन से जुड़िए, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए शिव के साथ, शक्ति के साथ कनेक्ट कीजिए, अलाइन में आइए। बहुत सारे आंसर आप ही के अंदर हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करना, अलाइनमेंट में आना, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी आप ज्यादा सराउंडिंग में वो करते रहोगे, ठीक है, और जितनी ज्यादा डार्कनेस पे वो करते रहोगे उतने ज्यादा परेशान रहोगे यहाँ पर। जितना आप कट ऑफ करके अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ, इनर पीस के साथ जुड़े रहोगे, उतनी ही आपको आगे बढ़ने में इजी होगा कि हाँ चलो जो भी हो रहा आगे भी हुआ है, इट्स ओके, ठीक है, मुझे फिर भी फेथ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो स्ट्रेंथ है, ये पीस है, जब हम लोग पूरी तरह से फोकस करते हैं अपने अंतर्मन के साथ, अंतर्मन में, तो आप ये वो कर पाते हो, सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाते हो और अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़े रहते हो। तो जो भी स्कैटर्ड एनर्जी है उसको इकट्ठा कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है, इनवर्ड जाइए, गिव अप
गिव अप, गिव इन और गिव इट ऑल योर ऑल। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर किस चीजों के लिए आप गिव अप भी कर रहे हो ना, वो अचानक से आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, बहुत सारी चीजों को झेलने की। ठीक है, और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी फाइनल गाइडेंस काली माँ की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।